हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रमोटर हिस्सेदारी कम करके 40% पर नहीं लाने के कारण किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, बंधन बैंक। आप सबको पता होगा कि बंधन बैंक जो है, इसे लाइसेंस मिला था 2015 में और अभी इस बैंक के ऊपर इस बात की अकाउंटेबिलिटी थी कि बैंकिंग के लाइसेंस लेने के लिए जो जो रूल्स आरबीआई ने निकाले थे, और वो रूल्स कब आए थे, आरबीआई ने 2013 में ये रूल्स निकाले थे और इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशनैलिटी दी गई थी कि जो भी बैंक कमर्शियल बैंक के लिए इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए अब अप्रोच करेगा आरबीआई को, उसके सामने ये कंडीशन है और इन सारे कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसी को ही हम लाइसेंस देंगे। तो जो उस समय के जितने कंडीशंस थे वो तो फुलफिल बंधन बैंक ने कर लिए थे, हालांकि उसमें कुछ एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी था। जैसे कि उसमें एक कंडीशन ये था कि जो भी उसका होल्डिंग कंपनीज होगी, यानी जो भी उसका प्रमोटर कंपनीज होगी, वो अगले 3 साल में उसकी जितनी भी स्टेक होल्डिंग होगी उस बैंक में, वो 40% से कम हो जानी चाहिए थी। यानी बंधन बैंक का जो प्रमोटर कंपनी है उसकी जो स्टेक होल्डिंग, अगर मान लेते हैं उस समय 100% है कि पूरा पैसा उसी ने लगाया, तो उसे 3 साल के अंदर उसे 40 रुपये से कम पे आ जाना चाहिए था, अगर 100 रुपये उसने टोटल लगाया था तो। जो कि ऐसा केस नहीं हुआ और जिसके बाद आरबीआई ने इसके ऊपर फाइन किया 1 करोड़ रुपये का। अब समझिए ये हुआ क्या, जब 2015 में इसे बैंकिंग लाइसेंस मिला था तो अगस्त 2018 तक इसके पास ये टाइम था कि ये अपना जो 82% इसकी शुरू में प्रमोटर हिस्सेदारी थी, जिसे इसे 40% से कम लाना था, और जिसके एवज में ये फेल कर गया। इसने अपने वहाँ पे सारे जो है आंसर भी दिए थे आरबीआई को कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आरबीआई इस बात से सहमत हुई कि आपने उस कंडीशन को नहीं माना और जिसके फलस्वरूप उनके ऊपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। और फिर अभी अब उन्हें ये जो शेयर होल्डिंग है 40% का, उसे कम करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और जलगांव पीपल्स सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अगला सवाल, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया? सही जवाब ऑप्शन ए, युवा पहल, युवा इनिशिएटिव। ये युवा इनिशिएटिव का जो लक्ष्य है वो है 10 से 14 साल के किशोरों हेतु, किशोर यानी यंग स्टूडेंट जो हैं उनके हेतु शिक्षा और कौशल विकास, तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसके साथ ही साल 2030 तक निजी क्षेत्रों के साथ कार्य करके 50 मिलियन युवा महिलाओं तथा युवाओं को इच्छुक आर्थिक अवसर प्रदान कराना है, और यही इसका ऑब्जेक्टिव है युवा पहल का। यह पहल भारत में लिंगानुपात की चुनौती को भी कम करने में मददगार साबित होगी। हमने इससे पहले भी आपको एक रिपोर्ट बताया था जहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में हमने आपसे बताई थी, जो नया अभी हेल्थ रिपोर्ट आई थी जिससे कि हेल्थ मिनिस्टर ने उसे रिलीज़ किया था, उसके तहत अभी जो सेक्स रेशियो था उसमें भी भारत ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। लेकिन इस सेक्स रेशियो को, ये जो लिंगानुपात है, इसको रोजगार में किस तरह से इसको इसी तरह इक्वालिटी इसमें लाई जाए, उसके तहत ये पहल बहुत ही शानदार एक कदम कहा जा सकता है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है, ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
हाल ही में अक्टूबर का रिलीज किया गया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसे कि PMI, ये पॉपुलरली इसी इंडेक्स से जाना जाता है, PMI जिसका पूरा नाम है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, कितना है जो अभी अक्टूबर का रिलीज किया। और सही जवाब ऑप्शन बी 50.6। ये जो 50.6 है, इससे पहले जब सितंबर का PMI निकला था तो वो 51.4 था, जिससे कि ये अभी कम है। और ये जो 50.6 है, ये पिछले दो साल में, अगर पिछले दो साल का PMI इंडेक्स देखें तो ये सबसे कम है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि स्लो डाउन तो यहाँ पे जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भी अब साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, ये जो PMI है ये 0 से 100 तक की संख्या की होती है, 50 से ऊपर, यानी वी आर जस्ट अबव 50। सो 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यवसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें लगता है कि ग्रोथ हो रहा है, जबकि ये 50 से ठीक ऊपर है। अगर 50 से नीचे का आंकड़ा, मतलब ये गिरावट को दर्शाता है, और जिस तरह से ये नीचे गिरा है पिछले महीने से इस महीने, तो हम थोड़े बहुत कह सकते हैं कि ये जो ग्रो है वो डीग्रो हुआ है। ये जो PMI है ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है, और जो एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है, यानी सर्वे के ऊपर ये एक बेस्ड फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्षेत्र में किस तरह की गतिविधि हो रही है उसका एक ये इंडिकेटर कहते हैं। अगला सवाल, इनमें से किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सही जवाब ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी। लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी को 27 जनवरी, इससे पहले 27 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति का मानद सर्जन बनाया गया था। इससे पहले वे DGMS सेना के पद पर कार्यरत थे। इन्हें सेना मेडल भी मिल चुका है और अब जाके इन्हें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला सवाल, हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी 7 प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया। सही जवाब ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में सभी राज्यपालों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। इन सभी राज्यपालों की नियुक्ति पिछली सरकार ने किया था। नई सरकार बनने के बाद से इन राज्यपालों को हटाने की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन सरकार के गठन के 2 साल बीतने के बाद अचानक सरकार ने यह फैसला कर सबको चौंका दिया। और अब जो है ये 7 प्रदेश में फिर से नए राज्यपाल की नियुक्ति ये जो नई कैबिनेट है वो करे। अगला सवाल, इनमें से कौन हाल ही में भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सही जवाब ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अभी हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबला हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था, लेकिन इसमें रोहित शर्मा ने ये मैच खेल के अपना 99वां मैच खेला, जो कि पिछले जो इंडिया की तरफ से सबसे हाईएस्ट T20 खेला था वो था MS धोनी, उन्होंने 98 इंटरनेशनल T20 खेले थे इंडिया के लिए। इनके रिकॉर्ड को रोहित शर्मा ने अब तोड़ दिया है। उसके बाद सुरेश रैना 78, विराट कोहली 72 मैच खेले हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शुएब मलिक ने सबसे ज़्यादा 111 T20 मैच खेले हैं, जबकि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम पर भी 99 मैच दर्ज हैं। अगला सवाल, हाल ही में जारी किए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए नक्शे के अनुसार लद्दाख में कितने ज़िले हैं। सही जवाब ऑप्शन डी 2। देखिए, लद्दाख में अभी जो नया मैप भारत सरकार ने ऑफिशियली रिलीज़ किया है, जिसमें जो 2 UT थे बनाए हैं, JNK एंड लद्दाख, इसमें उन्होंने एक तरह से डिमार्केशन किया है, और जिसके तहत अब बताया है कि लद्दाख में 2 ज़िले हैं, कारगिल और लेह, ये 2 ज़िले रहेंगे। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो फिर 2 UT में, एक जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था इसे 2 UT में विभाजित किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट असेंबली रहेगी, लद्दाख में स्टेट असेंबली नहीं रहेगी। उसके बाद नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, और अब जाके उन्होंने नया पॉलिटिकल मैप भी इशू किया है। अगला सवाल, किस राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों को राज्य सरकार के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। सही जवाब ऑप्शन सी मेघालय। देखिए, मेघालय सरकार ने इसके लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उप मुख्यमंत्री पेस्टोन टिनसोंग ने बताया कि यह फैसला बाहरी लोगों के हित में है और इससे वह अधिक सुरक्षित होंगे। बाहरी लोग जो मेघालय की यात्रा पर आना चाहते हैं उन्हें नए मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। अगले विधानसभा
सत्र में रेगुलाइज होने के बाद यह कानून प्रभावी हो जाएगा। और ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होने वाला ये पहला राज्य नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इस सब में जाने के लिए आपको जो है वहाँ परमिट लेनी पड़ती है। और अब मेघालय ने भी जो है वहाँ पे एक अध्यादेश लागू करके ये एक परमिट जो इनर लाइन परमिट कहते हैं उसको लागू कर दिया है। तो दोस्तों ये था आज का पहला सेगमेंट, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा है आप उसका जवाब देंगे और आपके लिए एक नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य नवंबर 2019 में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, और सही जवाब था ऑप्शन ए डस्ट लीग 2019। ये जो डस्ट लीग 2019 है ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आतंकवाद निरोधी रणनीति पर काम करेगा, उसके लिए एक सैन्य अभ्यास है। यह 4 नवंबर यानी कल से 13 नवंबर 2019 के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी, आतंकवाद निरोधी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत की ओर से 45 सदस्यों वाली एक सैन्य टुकड़ी इसमें भाग ले रही है। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली? आप अपने जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहें जागरणजोश.com।